हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। होली के त्यौहार में तो तरह तरह की गुजिया बनाई जाती है। फ्रेंड्स, आज हम सूजी की गुजिया बनाएंगे। सूजी की गुजिया तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन सूजी की गुजिया को आज हम इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि आपको इसमें मावा का भी स्वाद आएगा। मावा नहीं रहेगा, लेकिन मावा का स्वाद आएगा, लगेगा कि आप खोआ डाल के ही बनाए हैं। आई एम श्योर फ्रेंड कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी सूजी की गुजिया नहीं खाता है वो भी जरूर से बड़े चाव से खाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यहाँ पर लेंगे 250 ग्राम यानी कि 2 कप मैदा, 5 से 6 काजू लेंगे, 2 चम्मच किशमिश, आधा कप चीनी लेंगे, आधा कप सूजी, 6 से 7 बादाम लेंगे, 1/4 कप यानी कि 60 ग्राम रिफाइंड ऑयल है, इसकी जगह आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मोयन के लिए है। और ये देसी घी है 5 टेबल स्पून, जब हम सूजी को भूनेंगे तो इसे इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटेड नारियल यानी कि सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ 4 चम्मच, 5 छोटी इलायची, 2 चम्मच चिरौंजी लेंगे। यहाँ पर काजू और बादाम के छोटे टुकड़े कर लेंगे और छोटी इलायची का पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर गुजिया को फ्राई करने के लिए घी लेंगे। गुजिया को 2 तरह से हम बनाएंगे, एक को हम चाशनी में डुबाएंगे, इसके लिए हमने आधा कप चीनी लिया है और ये फूड कलर है येलो कलर, इसकी जगह आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में मोयन लगाएंगे, इसके लिए हमने ऑयल को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हाथों से इस तरह से दबा कर चेक कर लेंगे, ये परफेक्ट है। अब चलिए इसको हम सान लेते हैं। आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो तैयार करना है। मैदे में मोयन डालने के लिए हमेशा मैदे का हम 1/4 भाग घी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आटा को हमने सान कर तैयार कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है लेकिन थोड़े सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। अब इनको ढक कर 20-25 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 5 बड़े चम्मच घी को डाला है और घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो गैस को हम कम कर देंगे और उसके बाद सूजी को डालेंगे। और सूजी को डालने के बाद लगातार चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब यहाँ पर देखिए सूजी अच्छे से भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब सूजी को पकाना है तो उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप पानी और डालेंगे आधा कप चीनी, और चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को पिघला लेना है इसमें। अब यहाँ पर चीनी पिघल चुका है, मेल्ट हो गया अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम सूजी को, और सूजी को डालने के बाद धीमे आंच पर हम इसको अच्छे से सूजी को पकने तक पका लेंगे, जिस तरह से हम हलवा भी तैयार करते हैं इसी तरह। यहाँ पर सूजी पककर गाढ़ा हो गया है, ये बहुत ठीक हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट कर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हमने किशमिश, बादाम, नारियल, चिरौंजी, काजू और छोटी इलायची को कूट कर सभी को हमने डालकर मिक्स कर लिया है। और इसको धीरे धीरे आंच पर कुछ देर और भुनेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स थोड़े अलग हो गए हैं सूजी से, ये बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इधर आटे को भी 25-30 मिनट हो गए हैं, अब इनको भी थोड़ा हाथों से मसल लेते हैं और इनकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। पहले अगर आपको एक बारी में ज़्यादा गुजिया बनाना है तो पहले कोई साफ कपड़ा सूती बिछा लीजिए और सभी लोइयों को बनाकर उसमें रख लीजिए, और फिर सारे पूरियों को बेल बेल कर उसमें रख लीजिए, और फिर गुजिया काटने का कटर जो होता है उसी से गुजिया बनाते जाइए और कपड़े में ढकते जाइए। इस तरह से बहुत देर भी अगर गुजिया को आप छानते नहीं हैं तो जल्दी वो फटते नहीं हैं गुजिया, उसी तरह नमी बनी रहेगी उसमें। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लोइयों को तोड़ लिया है और हाथों से इस तरह चपटा करके पेड़े का सेप दे देंगे, और फिर एक एक को हम बेलते जाएंगे और गुजिया को काटते जाएंगे। अब इस तरह से एक एक पूरी को बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए हम आटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लगा सकते हैं थोड़े थोड़े आटे को। इसको बेलते समय बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब यहाँ पर एक पूरी को हमने बेल कर तैयार कर लिया है, ऐसे ही कुछ पूरियों को हम बेल कर तैयार कर लेंगे। अब देखिए सभी पूरियां बेल कर तैयार हैं।
इस तरह से गुजिया काटने का कटर लेंगे। इसको हमने अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है, सुखा लिया है। अब इस पे एक पूरी को रखेंगे। अब चम्मच से फिलिंग को रखेंगे, एक डेढ़ चम्मच या दो चम्मच। बस उसके बाद हम चारों तरफ किनारे पे पानी लगाएंगे। पानी से अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, खुलेंगे नहीं। आप पानी नहीं लगाएंगे तो खुलने का डर है, और ये खुलता भी है बिना पानी का। अच्छे से दबा लेंगे चारों तरफ, और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे। और फिर से इसकी हम लोइयां बनाकर इसी तरह से गुजिया को हम तैयार करेंगे। और जो भी कटे आटे हैं उनको हम उसी साफ कपड़े में अंदर ढकते जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो। देखिए इसमें फिलिंग कितना ज़्यादा भरा हुआ है। अब इसी तरह से और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ तैयार करके। देखिए जो भी हमने नीचे का पूरी बेला है उसको ऊपर कर देंगे इस तरह से, और सांचे पर रखेंगे और थोड़ा सा गहरा करेंगे ताकि फिलिंग को हम इसमें भर सकें। अब एक चम्मच हम इस फिलिंग को रखेंगे इस पर, और चारों तरफ किनारे पर पानी लगाएंगे उसी तरह से, और फिर इसको अच्छे से दबा देंगे। दबा कर जो भी किनारे आटे हैं उसको निकाल लेंगे, और बस ये तैयार है। देखिए दूसरा भी हमने बनाकर दिखा दिया आपको। ऐसे ही सभी को हम काट कर तैयार कर लेंगे। थोड़े से गुजिए को हम चाशनी में डालेंगे, इसलिए आधा कप से थोड़ा सा हम पानी ज़्यादा लिए हैं, और उसमें आधा कप चीनी डालेंगे। अब चाशनी वाली गुजिया हम थोड़ा सा कलर दिखे इसके लिए आप केसर को डालें, या तो फिर वो नहीं है तो थोड़े से येलो कलर को दो तीन बूंद डाल सकते हैं। इसको मीडियम कर देंगे। अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे, और इनको चाशनी को हमें एक तार वाली बनानी है। अब चाशनी को थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा चाशनी को उठाएंगे, और ठंडा होने पर इसको इस तरह से हाथों से चिपका कर देखेंगे। देखिए ये एक तार निकल रहा है ना, तो हमारी ये चाशनी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे, इसको अलग रख देंगे, और फिर गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे घी, और घी को गर्म होने देंगे, और एकदम गैस को स्लो कर देंगे, और एकदम कम गैस पर ही पूरे गुजिए को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब छोटे से आटे को डालकर हम देख लेते हैं। बस इतना ही हमें घी को गर्म चाहिए। अब उसमें गुजिए को डाल देंगे, एक बारी में जितने कढ़ाई में गुजिया आ सके उसको डाल के हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट बाद गुजिया को पलट लेंगे, और सारे गुजिया को पलटने के बाद कुछ मिनट बाद फिर से पलटेंगे, और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो सारी गुजिया को हम निकाल लेंगे, और जो भी गुजिया बीच से फट जाती है कभी तेल में भी, तो उसको हम पहले निकाल कर हटा लेंगे, नहीं तो सारी गुजिया ख़राब हो जाएगी। और जो बनाते समय गुजिया को फिलिंग करते समय जो फट जाती है उसको भी हम अलग रख लेंगे, उसको भी हम बाद में फ्राई करेंगे। देखिए सभी को हमने निकाल दिया है, ऐसे ही दोबारा भी हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन हर बार गैस को ध्यान में रखते हुए कि गैस बहुत ज़्यादा तेज ना हो, धीरे धीरे आंच पर ही इसको फ्राई करना है। देखिए दोबारे बैच में भी हमने इसको फ्राई कर लिया है, और इस बार हम चाशनी में कुछ गुजिए को डालेंगे, और इसको चाशनी में 3-4 मिनट तक रहने देना है, और चाशनी को हम उठाकर चम्मच से इसके ऊपर भी डाल देंगे, ये अच्छे से चाशनी में डूब जाए। अब गुजिया के ऊपर थोड़े से पिस्ते या तो फिर नारियल से हम डेकोरेट करेंगे। बस ये बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरह से गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।